टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही कई आरोप लगा चुकी शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब उन पर एक नया केस दर्ज करवाया है। हसीन जहां ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट में शमी और उनके परिवार के बाकी लोगों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। इस नए केस में हसीन जहां ने शमी पर भत्ता और इलाज का खर्चा नहीं देने का आरोप लगा है। हसीन जहां के वकील ने बताया कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी, उनकी मां, बड़े भाई और भाभी पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से हर महीने 10 लाख रुपए भत्ते की मांग कर रही हैं। हसीन जहां ने 7 लाख परिवार के मेंटेनेंस और 3 लाख रुपए अपनी बच्ची के लिए मांगा है। हसीन जहां के वकील के मुताबिक केस की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने जल्द ही सुनवाई का फैसला किया है और साथ ही मोहम्मद शमी को उनका पक्ष कोर्ट में रखकर सफाई देने के लिए कहा है। हालांकि हसीन जहां के वकील को भरोसा है कि वो ये केस जीत जाएंगे। हसीन जहां ने मार्च में मोहम्मद शमी पर मारपीट, घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि शमी इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। वहीं हसीन जहां लगातार मोहम्मद शमी पर आरोप लगा रही हैं। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।